हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूं कि तुम सब ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नया रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे जोजुत्सु काइसन के सीजन 2 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा ही जबरदस्त था। आई नो कि मैं काफी लेट वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे जो कि अब खत्म हो गए, इसलिए अब रेगुलर वीडियो डालूंगा मैं और कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 वीडियो डालूं। जोजुत्सु काइसन का सीजन 2 आर्क डिवाइडेड था, एक थी हिडन इन्वेंटरी आर्क जो कि 4-5 एपिसोड ही थे, और दूसरी थी शिबो या इंसिडेंट आर्क जो कि काफी बड़ा था। और मुझे हिडन इन्वेंटरी ज्यादा पसंद आया, और वहीं देखा जाए शिबो इंसिडेंट जो कि बड़ा आर्क था, लेकिन उसमें स्टोरी तुम्हें स्टार्ट को होती है काफी अच्छे तरीके से, काफी सारी जबरदस्त फाइट्स भी देखने को मिलती है, लेकिन स्टोरी कंक्लूड नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हिडन इन्वेंटरी है जिसमें स्टोरी शुरू भी उसी में होती है और कंक्लूड भी उसी में होती है, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद आया। और गोजो और तोजी की भी फाइट काफी जबरदस्त हुई है, और स्पेशली गोजो का वो सीन जो कि मांगा पैनल में कुछ ऐसे था, थ्रू आउट द हेवंस एंड द अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। हालांकि एनीमे में उसे चेंज कर दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट डायलॉग क्या था मुझे याद नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं सबटाइटल में देखता हूं इतना कुछ याद रहेगा नहीं। और वही शिबो इंसिडेंट में भी काफी तगड़ी फाइट हुई है, चाहे तो नानामी वैसे से वो चुटिया वाला लौंडा कौन था जिसकी लाइफ होती है, नानामी उसको कुत्ता बना था जो काफी बैड है तरीके से, मतलब बहुत जबरदस्त सीन था। वहाँ जो एनिमेशन चेंज होता है ना, नानामी एकदम चैट की तरह दिखता है, काफी जबरदस्त सीन था वो। उस सीन में जिस तरह नानामी उसकी चुटिया पकड़ता है ना, मुझे गैंग ऑफ वासेपुर का एक सीन याद आ गया था। फाइट की बात करूं तो और फाइट भी काफी तगड़ी थी, चाहे तुम सुकुना वसी जो ले लो या फिर तुम सुकुना वसी मोरा ले लो, वो वाली फाइट तो काफी तगड़ी थी, मतलब महोरोगा वाली फाइट तो एक अलग लेवल पे थी। जब सुकुना अपना मूव यूज करता है ना और जब डायमेंशन फट रहा होता है उसमें दिखाते हैं कट कट कर, और इसी तरह मांगा में उसने कुछ यूज करा था जिससे हमारा एक फेवरेट कैरेक्टर मर गया है। छोड़ो इतना तो, ये चोसो की फाइट भी बढ़िया थी, और लोग सुकुना का प्रेजेंस काफी जबरदस्त है, और लोग देख के खान पड़ जाती है, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, दोनों लड़कियां थी तो मतलब बिल्कुल नीचे झुक जाती है और जोगो का सर कट जाता है। और भाई साहब हो क्या रहा है, जोगो ने 15 उंगलियां खिला दी है सुकुना को, एक साथ मतलब 5 तो पहले से खाई रखी थी, 10 और खिला दी। वही सुकुना जो पूरी तरह तबाही मचाता है, तो ददोरी जो है उसको काफी ज्यादा सदमा लग जाता है कि सबकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और तो हमें भी पता है कि ददोरी तो बस का कुछ रहा नहीं है। और वही वो जो भी सील हो गया है, तो जब ददोरी की भाई तो सफाई खड़ी होती है, मतलब भाई तो का कैरेक्टर इतना ज्यादा हरामी है क्या ही बताऊँ। पहले तो नोबारा से हार रहा था, तो जाके बॉडी चेंज करी और नोबारा को मार दिया, मतलब मरी की नहीं मरी पता नहीं अभी, क्योंकि एक बंदा आया था फ्राइज करने उसे। लेकिन तोदो की एंट्री भाई, सलमान भाई जैसी एंट्री होती है तोदो की, तो क्या ही बोलूँ, मतलब जब तोदो कदम रखता है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी बॉलीवुड मूवी में हीरो की एंट्री हो रही है। तोदो जी तो काफी जबरदस्त तरीके से भाई को खिलते भी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा राइटर को दिक्कत क्या कैरेक्टर से, जो भी अच्छा कैरेक्टर दिखता है, मतलब तोदो की पावर थी स्नैप करके स्विच करने वाली मतलब बॉडी, और बंदा हाथ ही कटवा दिया उसका, और एक पल को तो कटे हुए हाथ से भी वहीं को भी फाड़ देता है। अब देखा जाए तो इसमें फाक्स तो काफी भर भर की थी, चाहे तुम सुखी ना वसी जोगो लो, वहीं तो वसी इतादोरी लो, इतादोरी वसी चोसो लो, मेगुमी वसी तोजी लो, तोजी वसी जो सी मॉन्स्टर वाला बंदा है जिसका खुद का डोमेन है जिसमें समुंदर ही होता है, एक तरह से बीच होता है जहाँ माही तो केंजा को रिलैक्स करते हैं। और भाई लास्ट में केंजा को वाली फाइट भी काफी बढ़िया थी, और इतादोरी और माहितो की फाइट तो जबरदस्त थी। और फाइट की बात हो रही तो एनिमेशन की भी बात कर लेते हो, तो एनिमेशन कुछ जगह पे काफी पीक कर जाता है, कुछ जगह पे एनिमेशन स्टाइल चेंज हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छे की बात करूं तो तुम्हें पता ही है गोजो और तोजी वाली फाइट बढ़िया थी, इतादोरी और माहितो वाली भी बढ़िया थी, यहाँ तक कि तोजी और फुशिगिरो वाली भी बढ़िया थी, लेकिन मुझे तोजी और सी मॉन्स्टर वाली जो फाइट थी, मतलब जो कि एक अलग तरह का एनिमेशन स्टाइल होता है उसमें बनाई गई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वही बात करें सुकुना और जोगो वाली या फिर सुकुना और महोरोगा वाली, वो काफी जबरदस्त फाइट थी दोनों। फिर भी अगर कंपेयर करने जाओ तो सीजन 1 के मुकाबले एनिमेशन मुझे हल्का लगा, और दो जो सुकुना वसीज वाली फाइट थी महोरोगा वाली, वो काफी अच्छे लेवल की फाइट थी। और बात करूं सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, तो मतलब दिक्कत ऐसी है कि जब भी नया कैरेक्टर यूज होता है उसकी पावर तुम्हें सबटाइटल में एक्सप्लेन करी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो हर कैरेक्टर की पावर अलग होती है, उसका डोमेन अलग है, उसकी पावर वर्क करती है, सबका तरीका अलग है, मतलब कैरेक्टर नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लड़ते लड़ते उसकी पावर दिखाई जा रही है, अब देखने वाला सबटाइटल कैच करे या फिर फाइट देख ले। इस मामले में तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जैसे तुम देखोगे तो जोसु था वो भी नया ही आया था इस सीजन में, तो उसकी पावर तो चलो आसान थी, पियर्सिंग ब्लड वाली जो कि फाइट लड़ते लड़ते एक्सप्लेन की गई थी, लेकिन ठीक था वहां तक। तो फिर भी बीच फाइट में नए नए मूव भी एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती कैच करने में। जैसे सुकुना के साथ जो उसकी सर्वेंट थी, वो जो कौन सी थी, जो बर्फ वाली पावर यूज करती थी, उसकी पावर भी मुझे कुछ खास समझ आई नहीं। ओवरऑल कहूँ तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब जोजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम ऐसा है कि अगर तुम देखने बैठो तो तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, एक चीज को नोट करना पड़ेगा, वरना तुम्हें याद भी नहीं रहेगी किस कैरेक्टर की क्या पावर्स थी। मतलब सीजन 1 में तो फिर भी समझ आ गया था कि कर्ज एनर्जी है जो यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, नारुतो में चक्र होता है, और एक डोमेन वाली पावर स्पेशल है, लेकिन यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। ओवरऑल बात करूँ तो जोजुत्सु काइसन का सीजन 2 मस्ट वॉच तो नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारी फाइट्स हैं, अगर तुमने पहले से मांगा पढ़ रखी है तो तुम्हें देखने में मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें पावर सिस्टम पहले से पता होगा।
लड़ते लड़ते जो जो स्पोर्ट पावर एक्सप्लेन की जाती है वो समझने में तुम्हें आसानी रहेगी, इसमें मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती, तो मैं कोशिश करूंगा अगले सीजन से पहले मांगा पे कैचअप कर लूं, बाकी आगे चलते ऐसी कोई दिक्कत ना है। लेकिन फिर भी अगर तुम देखना चाहते हो और तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो कोशिश करना कि तुम डब में देखो, वैसे तो आजकल हिंदी डब भी अवेलेबल है, हालांकि थोड़ा पीछे चल रहा है ओरिजिनल डब से, पता नहीं अब तक सारे एपिसोड्स डब हुए भी है कि नहीं, लेकिन तुम दूसरी लैंग्वेज में चेकआउट करो तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। और लो चाहो तो तुम सबटाइटल में भी देख सकते हो, लेकिन तुम्हें पता ही है पावर सिस्टम वाली जो बात मैंने कही काफी ज्यादा दिक्कत देती है। फिर भी अगर तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, सिर्फ फाइट देखना चाहते हो, तो सीजन 2 बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। हालांकि इतना थोड़ी का मेंटल ब्रेक हो गया है और हमें नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब नया नहीं पूरा नहीं है, जो चुका है जीरो मूवी वाला युता उत्सुकी, जिसके नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, मतलब उसका नाम तो काफी बार बोला गया है, सुनाई भी काफी दिया गया है, सीजन 1 में भी कई बार बोला गया है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला था कि कौन है बंदा, और ना उसकी बड़ी फीट देखने को मिली थी मूवी में ही देखने को मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। एनीमे में तो युता की भोकाल बना रखा है काफी ज्यादा, इस सीजन 1 में जो उसे दिखाया था जो मतलब अकेला गया था थियेटर स्कूल में और कॉम्पिटिशन जीत के आ गया था, और वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो कि गिने चुने लोग ही हैं जिनमें वो भी एक है, उस बंदे की भोकाली तो बहुत है, तो इसे आगे देखने में मजा आएगा। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जूसु कैसन का सीजन 2 तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बताई देना, नहीं पसंद है तो प्लीज गाली मत पकना, और अपने जूसु कैसन देखने वाले दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर ही देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।